अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल समीर, आप देख रहे हैं 4K न्यूज़। हमारे साथ सुद्दीन ओवैसी हैं। सर, इस टाइमिंग को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी के इकरार चौहान साहब ने कहा कि डील मिलने का वक्त था, तो आखिरी समय में दिल्ली इलेक्शन से पहले ये ऐलान क्यों किया गया? टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल नहीं, टाइमिंग प्राइम मिनिस्टर की टाइमिंग है, वो हमेशा इलेक्शन को देखते हैं। हर चीज देख लीजिए आप, चाहे जब वो चीफ मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री, हर उनका जो फैसला होता है वो इलेक्शन को देखकर ही किया जाता है। तो हम उसमें कोई हमको शक करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये आखिरी पत्ता फेंका दिल्ली चुनाव के लिए। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता इस तरह के अनाउंसमेंट को मुतासर हो गए, बल्कि बीजेपी चुनाव हारे। लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा राम मंदिर के निर्माण को लेकर हुई थी और नरेंद्र मोदी उसके साथी थे। आज प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान किया। आपको लगता है कि वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि इससे पहले की सरकार अटकाने लटकाने का काम कर रही थी? जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया था, जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, उनको नरेंद्र मोदी ने पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा, उनको नरेंद्र मोदी ने गवर्नर बनाया, उनको नरेंद्र मोदी ने गंगा की सफाई की मिनिस्ट्री दी, और जिन्होंने 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद की थी, आज वही उस जगह पर, उस मुकाम पर जहां पर हमने सजदे किए थे, वहां पर आप मंदिर बनाने जा रहे हैं। आप याद रखिए कि हम याद रखेंगे अपनी मस्जिद को, हम आने वाली नस्ल को याद दिलाएंगे, हम नहीं भूलेंगे बाबरी मस्जिद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी 5 एकड़ जमीन देने की बात कही गई। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आया कि वो अयोध्या से बाहर हो, वो 5 एकड़ जमीन, क्या 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड स्वीकार करेगा? भारत का मुसलमान यकीनन गरीब है, पॉवर्टी इंडिकेटर में सबसे गरीब है दलितों के बाद, मगर इतना गरीब नहीं है कि अपनी मस्जिद को वो खुद अपने पैसों से जमीन खरीद के तामीर ना कर सके। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मेरी मस्जिद को क्रिमिनल एक्ट के तहत डिमोलिशन किया गया, तो फिर क्रिमिनल एक्ट में मुझे क्यों ज़मीन दे रहे आप? जब उन्होंने नेशनल शेम सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वहाँ पर आप कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों दे रहा है हमको ज़मीन? हमको ज़मीन नहीं चाहिए। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, जिसमें शिया सुन्नी अहलियतीस के रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, सब ने मुत्तफ़ा तौर पर इस ऑफर को रिजेक्ट किया, और मुझे पूरा यकीन है कि भारत के तमाम मुसलमान इस ऑफर को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट में डिमोलिशन करके आप कह रहे हैं मस्जिद, जमीन दूसरी जगह बना लो, मस्जिद बना लो, ये तो काबिल-ए-क़बूल नहीं है।